हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे गुंजन सक्सेना, जो कारगिल कल से भी जाने जाते हैं। वो कौन है? फ्लाइटिंग लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना एक युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने वाले पहले महिला इंडियन एयरफोर्स यानी कि IAF अधिकारी थे। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान गुंजन सक्सेना ने युद्ध क्षेत्र में चीता हेलीकॉप्टर, जो आप फोटो में देख सकते हो, वो उड़ाया था और काफ़ी सैनिकों को बचाया था। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान गुंजन सक्सेना ने अपने साथी लेफ्टिनेंट विद्याराजन के साथ युद्ध क्षेत्र में चीता हेलीकॉप्टर उड़ाया और कई सैनिकों को बचाया था। आप जानते हो कि फिल्म निर्देशक करण जौहर भी अपनी आगामी फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल ट्रेलर रिलीज कर चुके हैं और इसके मुख्य भूमिका में आप जाह्नवी कपूर को देख सकते हो। चलो, गुंजन सक्सेना के बारे में बात करते हैं तो उनका जन्म हुआ था 1975 में, एक सेना अधिकारी परिवार में हुआ। वर्तमान में उनकी उम्र 44 ईयर्स है। उनके पिता और भाई भी सेना की ही सेवा में थे। गुंजन सक्सेना ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया, पढ़ाई पूरी की। वह अपने कॉलेज के दिनों में उड़ान की मूल बातें सीखने के लिए सफदरगंज फ्लाइंग क्लब, जो आप देख सकते हो फोटो में, नई दिल्ली में है, वहां में शामिल हुई। गुंजन सक्सेना के बारे में बात करें तो उनका मैरिज IAF अधिकारी से ही हुआ था, जो आप फोटो में देख सकते हो। 2004 में उनकी एक बेटी भी हुई, जिनका नाम प्रज्ञा है। फ्लाइटिंग लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना को भारतीय वायुसेना में 1994 में 25 अन्य महिला, जो अप्रेंटाइज पायलट के साथ चुना गया। यह महिला IAF अप्रेंटाइज पायलट का एक पहला बैच था। वो कहाँ था तो बोलेंगे उधमपुर, जम्मू कश्मीर में है, वहाँ पे तैनात था। 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो कारगिल युद्ध के दौरान गुंजन ने अपने साथी लेफ्टिनेंट विद्याराजन के साथ राष्ट्र की सेवा करने का एक अवसर प्राप्त हुआ। भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के दौरान दो बड़े ऑपरेशन किए। पहला ऑपरेशन था ऑपरेशन विजय, जो आप देख सकते हो, दूसरा था ऑपरेशन सफेद सागर। फ्लाइटन लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना को ऑपरेशन विजय के साथ जुड़े थे। उस युद्ध के अंदर जो घायल सैनिक है, वो उनका काम था, जो उनको बचाना था। दूसरा उनका एक काम था पाकिस्तानी सैनिकों के ठिकानों की निगरानी करनी। और आप जानते हो द्रास और बटालिक सेक्टर है, वहाँ पे जो भारतीय टुकड़ी थी, वहाँ पे जो महत्वपूर्ण प्रकार के उपकरण थे, उनको भेजने का काम उनको सौंपा गया था। उन्होंने एक लेख में बोला भी था कि युद्ध के दौरान जो घायल सैनिकों को बाहर निकालने का काम उनको दिया गया था, वो दौरान पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा काफ़ी गोलीबार और मिसाइल का उनको सामना करना पड़ा। हालांकि उनके पास सिर्फ एक राइफल था और वो निशाना न लगने के कारण वो वहाँ से निकलने में सफल हो गए थे। 19वीं शताब्दी में महिलाओं को अधिकतर शारीरिक और मानसिक दबाव के कारण युद्ध क्षेत्र में उड़ान भरने की अनुमति नहीं थी, लेकिन कारगिल के युद्ध के समय भारत को पाकिस्तान में जीत हासिल करने के लिए सभी पायलटों की सख्त ज़रूरत थी। और इसी प्रकार सभी पुरुष और महिला पायलटों को राष्ट्र की सेवा के लिए बुलाया गया था। फ्लाइटिंग लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना का ये काम उन्होंने जो किया, उनको शौर्य चक्र भी प्रदान हुआ था और वो ये चक्र पाने वाले सबसे पहले महिला बने गए। उनके कारगिल युद्ध क्षेत्र में उनके साहस और दृढ़ संकल्प के लिए उनको सम्मानित किया गया था। उनके ऊपर पेपर में आर्टिकल भी छपे थे। और इसी दौरान उनका फ्लाइटिंग लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना को कारगिल गर्ल से भी नाम दिया गया, जाना जाता था। आपको जान के चौंकना हैरानी होगी कि कारगिल युद्ध के दौरान लगभग 500 भारतीय सेना के अधिकारी और जवान मारे गए थे और उन्होंने काफ़ी बचाने का कोशिश किया था, जो गुंजन सक्सेना को क्रेडिट जाता है। 2004 में चॉपर पायलट के रूप में 7 वर्षों तक सेवा देने के बाद गुंजन सक्सेना ने भारतीय सेना के साथ सेवा समाप्त की थी। उनका काफ़ी सुखी परिवार भी आप देख सकते हो। और अभी वो ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि उनका एक उनके ऊपर एक मूवी बना रहे हैं, जो हमने बात की है, और इसी दौरान काफ़ी फोटोज़ भी उनके फेमस हुए थे।
तो गुंजन सक्सेना के बारे में आप जो जानते हो या जाने हैं, तो मैं आशा रखता हूँ आपको भी मालूम चला होगा। ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए हमेशा आप हैप्पी एकेडमी के साथ जुड़े रह सकते हो। थैंक यू वेरी मच।